बता दे कि एक तरफ हमारे देश तथा शहर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सूत्रोच्चार बड़ी ही जोर शोर से चलते रहते हैं, लेकिन हमारे देश के आज भी कई जिले और शहर ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में अगर सूरत शहर की जो बात की जाए तो सूरत शहर में तो महिलाओं पर अत्याचार होने के कई किस्से आए दिन सामने आते ही रहते हैं। अभी ताजा मामला सूरत के अमरोली क्षेत्र से सामने आया है। आपको बता दें कि सूरत के अमरोली शायण रोड पर स्थित सृष्टि रो हाउस की निवासी काजल बेन लाबू भाई पालड़िया, जो कि इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर बिजनेस कर अपने परिवार के साथ खुशी से रहते हैं। काजल बेन की सोसाइटी के निवासी आशीष आचार्य नामक युवक, जो कि जमीन की लेती देती के कामकाज के साथ जुड़ा है, बीते 2016 के वर्ष में पैसों की बात को लेकर काजल बेन के पिता और आशीष आचार्य के बीच कहासुनी हुई और मामला कोर्ट और केस तक पहुंच गया। लेकिन आशीष आचार्य नामक व्यक्ति द्वारा काजल बेन के पिता से हुई पुरानी दुश्मनी की रंजिश रखकर और सोशल साइट को अपना हथियार बनाते हुए पिता की दुश्मनी बेटी से वसूलने के मकसद से काजल बेन को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अभद्र मैसेज कर तथा काजल बेन के फोटो वायरल कर उनको बदनाम करने की कोशिश लगातार करता रहा। इस मामले में काजल बेन ने अमरोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अमरोली पुलिस द्वारा इस मामले पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर गत रोज काजल बेन ने सूरत शहर पुलिस कमिश्नर कचेरी जाकर अर्जी की और इस मामले में अपराधी आशीष आचार्य के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो ऐसी अपील भी सूरत शहर पुलिस कमिश्नर से की। काजल लाबू भाई पालड़िया क्या रहवा अमरोली सृष्टि रो हाउस ये पुलिस कमिश्नर श्री सतीश शर्मा ने मळवा व्हाट्सएप ने फेसबुक सोशल मीडिया पर मारा फोटा ने मैसेज बधा धमकीओ ना ने आपे छे ए बाबते कोण આપે છે આશીષ કુમાર આચાર્ય એના વિશે તમે ફરિયાદ કરી હતી હા કોણ છે આ આશીષ એ અમાર સોસાયટી માં જ રહી છે યા શા માટે એવું કરે છે એને માર પપ્પા ને 2016 માં છે ને પૈસા બાબતે કેસ ચાલતો તો એમાંથી કેટલા વખત થી કરે છે આ ઉત્રાસ બે વર્ષ થી અને આ વાતની અરજી છે ને મેં લેખિતમાં અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં સુરત પોલીસ કમિશનર શ્રી બધાને જાણ કરી હતી પણ કોઈ એક્શન ના લીધા અને હાલે હવે મારા ફોટા ફેરવતા થઈ ગયો પહેલા મેસેજ કરતો હવે ફોટા મોકલે છે બધાને આગળ શું કહેવા માંગો છો આના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરના પગલાં લે કાયદેસરના પગલાં નહીં લીધા તો બીજો કોઈ રસ્તો તો છે નહીં તમે જોયા ને કેવા મેસેજ કરે છે હું આત્મવિલોપન કરી દઈશ।